गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम एल्कोहल पढ़ रहे थे और एल्कोहल के बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपचयन से और एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल किस तरह से बनाते हैं वो पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। तो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गिरनार अभिकर्म। गिरनार अभिकर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्म है। RMgX, R एल्किल ग्रुप में Mg धातु X हैलोजन, RMgX को गिरनार अभिकर्म कहा जाता है। RMgX गिरनार अभिकर्म है, इसमें R पर नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो R एल्किल ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम नहीं करता है। तो गिरनार रिएजेंट एक बेस की तरह भी काम करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो ये दोनों ही प्रकार के एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है वो सभी दोनों ही तरह की अभिक्रियाएं जो है देता है। गिरनार अभिकर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। गिरनार अभिकर्म की खोज के लिए विक्टर गिरनार को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये अकेला ही अभिकर्म बहुत सारी रिएक्शंस देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको समझिए आप ये क्या है और किस तरह से इसकी रिएक्शंस होती। चलिए अब हम बात कर रहे हैं गिरनार अभिकर्म से एल्कोहल बना। तो देखिए मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, आप उस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना कि वो किस प्रकार से होती है। हम सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड में मैकेनिज्म को देख लेंगे, फिर आप उसमें देखो फॉर्मेल्डिहाइड में तो एसिटाल्डिहाइड में भी सेम मैकेनिज्म काम करेगी और उसके बाद एसिटाल्डिहाइड के बाद में आप दूसरे कोई एल्डिहाइड में भी लोगे तो सेम ही काम करेगी। कीटोन में भी उसी तरह से सेम मैकेनिज्म रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए किरदार विक्रम से रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो हमको गिरनार अभिकर्मक यानी इससे इसमें जितने कार्बन होंगे, माना कि हमने इसमें जो है एक कार्बन लिया R एक कार्बन था, तो एक कार्बन ज्यादा का एल्कोहल हमको प्राप्त होता है। देखिए अब इसकी क्या मैकेनिज्म होती है वो देखिए क्रियाविधि। क्रियाविधि देखिए ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, आप लोगों को पता होगा और पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि RMgX में R पर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की विद्युत धारा ज्यादा होती है, इसलिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता, अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। यही हमेशा हो रहा, हमेशा यही हुआ। गिरनार अभिकर्म और CO ग्रुप जहां भी आपको दिखाई देगा उनके बीच में यही रिएक्शन होगी। मैं रिपीट कर देता हूं कि गिरनार अभिकर्म में R पर नेगेटिव चार्ज होता है, C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत दृढ़ता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए ये गिरनार अभिकर्म का R कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सीज पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए इस आग कार्बन पर अटैक करेगा और उसके बाद क्या होगा वो हम बात कर रहे हैं। चलिए तो ये R पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये R इस पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ेगा। देखिए HCHO पर नेगेटिव और यहां जुड़ जाएगा R, देखिए और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और MgX पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये MgX जो है और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए अभी देखिए आप इसको, चलिए तो
ये बन गया आर यहाँ पर जाकर जुड़ गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था वहां पर एम जी एक्स पॉजिटिव चार्ज के रूप में जा करके जुड़ गया। चलो आगे देखिए, अब आगे हमने जल दिया है एच ओ एच, एच टू जल को हमने एच ओ एच लिख दिया। देखिए अब एच ओ एच में एच पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए अब यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो एच तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे और ओ एच जुड़ जाएगा एम जी एक्स पे। तो देखिए आर एच तो जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन को तो ये बन जाएगा और आर ये OH जो है वो जाके जुड़ जाएगा एमजी पे, तो एक्स तो था एमजी पे और एमजी एक्स के साथ OH और जुड़ गया। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं आर सी एच टू और हमने यही तो कहा था कि गिरना अनुक्रमण की रेसे एल्डिहाइड से करवाई जाती है तो क्या बनता है एल्कोहल बनता है। ये एल्कोहल 1 डिग्री है तो यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर गिरनार विकर्मक से करवाई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। कौन से वाले बनते हैं 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, अब हम गिरनार विकर्मक की रिएक्शन जो है वो एसिटाल्डिहाइड से करते हैं। ये यहां तक करेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाए और बनेगा सी एस टी सी आर एच ओ एम जी एफ ओ पर जाएगी एम जी एफ पर पूरी। चलिए फिर वो ही इसको हाइड्रोलाइसिस एच और ओ एच एच इस पे और ओ एच इस पे जाके जुड़ जाएगा और बनेगा सी एस टी सी आर एच और ओ एच साथ में एम जी एक्स और साथ में एम जी एक्स और ओ एच उधर निकल जाएगा और बन जाएगा अपन को पी जी। ये देखिए इसको मैं लिखता हूं सी एच थ्री सी एच ये आर और ये ओ एच इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये देखिए 2 डिग्री एल्कोहल, ये कैसा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल, यानी अभिक्रमण की अभिक्रिया हम एसिटाल्डिहाइड से करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल हमको मिलते हैं। आगे देखिए हम जब गिरनार विकर्मक की रिएक्शन जो एसीटोन के साथ करवाते हैं कीटोन के साथ करवाते हैं तो वही कार्बन पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और आर यहां जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 आर और ओ एम ओ एम जी एक्स पे ये एच इधर और ओ एच उधर और ये देखिए जो बन गया ये है 3 डिग्री एल्कोहल। कैसा एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल, यानी गिरनार विकर्मक की अभिक्रिया अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो बनता है 1 डिग्री, अगर हम उसकी अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड से करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी एल्डिहाइड से करवाते हैं तो बनता है 2 डिग्री और अगर उसकी अभिक्रिया कीटोन से करवाते हैं या किसी भी कीटोन से तो बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट
इसको बोलते हैं एपोक्साइड रिंग, ऑक्सी रिंग इसी को बोलते हैं, फिर एपोक्साइड रिंग लिखे एथिलीन एपोक्साइड, तो इसको एपोक्साइड रिंग बोलते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की अभिक्रिया एपोक्साइड रिंग से करवाते हैं तो ये इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले पे क्या अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आर आर नेगेटिव अटैक करेगा और वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, देखिए ये बनेगा RCH2CH2OMGX नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड टूटने के बाद में ये R यहां जुड़ गया तो RCH2CH2 और फिर बॉन्ड पे O नेगेटिव और MGX पॉजिटिव, और फिर वही हाइड्रोलाइसिस तो प्लस यहां H प्लस यहां OH माइनस यहां और बन जाएगा RCH2CH2OH प्लस MGX और O, यानी कि यहां पर हमको 1 डिग्री एल्कोहल हमको मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, एपोक्साइड रिंग से करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, HCOOR इसको बोलते हैं, यहां पर मैं C2H5 दे देता हूं तो एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट IUPAC नाम लिखा हूं तो एथिल मेथेनोइड एस्टर है तो इसको एथिल मेथेनोइड बोलेंगे या एथिल फॉर्मेट, ठीक है। इसके साथ हम एस्टर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिए हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन बता दी कैसे होती है, कीटोन के साथ बता दी कैसे होती है, हमने एपोक्साइड रिंग के साथ बता दी कैसे होती है, अब हम एस्टर के साथ बता रहे हैं कि एस्टर के साथ रिएक्शन कैसे होती है और एल्कोहल किस तरह के बनते हैं। चलिए तो ये आर यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, देखिए क्या होगा HCr OC2H5O MgS। ये बढ़िया, देखिए अब देखिए बोले सर अब यहां पर इसको वाटर दे देंगे और यहां पर एच यहां पर कोई जुड़ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। अभी हम जब अपचेन पढ़ रहे थे, वो ब्लैंक अपचेन पढ़ रहे थे, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पाया था, तो वहां पर उस नेगेटिव चार्ज ने ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आया था तो उस नेगेटिव चार्ज ने यहां बॉन्ड बनाया था, ये निकल गया था OC2H5, वहां OR था, तो हमने ये कहा था कि OC2H5 के OR जो होता है ये लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है जो आसानी से निकल जाता है, तो ये लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाता है, तो ये यहां बॉन्ड बनाएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो -C2H5O- ये बाहर निकल जाएगा और निकलने के बाद देखिए क्या बनेगा। मैं इस R को इधर लिख देता हूं और इस H को इधर लिख देता हूं, देखिए आप देखना सेम चीज है, देखिए इस कार्बन पर यहां पर डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O, ये एक R जुड़ा हुआ एक H जुड़ा हुआ, तो एक R जुड़ा हुआ एक H जुड़ा हुआ, ये बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आगे की अभिक्रिया मैंने आप लोगों को बता रखी सिंपली रिएक्शन, मैं फिर से बता देता हूं, ये R यहां अटैक करेगा, ये इधर से इधर, ये आर ठीक है। आगे देखिए यहां पर अब हम इसको गले देंगे, MgX और MgXOH यानी Mg पर X और OH जुड़ जाएंगे और वो निकल जाएगा और ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं R C R और सॉरी
ये एच ये आर और एक एच, देखिए दो आर है और एक एच इस कार्बन में, दो आर है एक एच है उस पर OH जुड़ा हुआ, तो ये बन गया 2° एल्कोहल। कैसा वाला एल्कोहल बन गया, 2° एल्कोहल हमको मिल गया। चलिए तो एस्टर से किस तरह से रिएक्शन होगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हमने यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसी में चेंजेस करूंगा, आप लोग देखते जाओ, इसी में चेंजेस करूंगा कि ये हमने रिएक्शन करवाया कि एथिल फॉर्मेट से, यानी एक कार्बन का एस्टर था, यानी एस्टर ग्रुप में कार्बन एक ये यहां पर हाइड्रोजन था दूसरा एथिल फॉर्मेट था। इसके अलावा एथिल फॉर्मेट के अलावा कोई भी और एस्टर लेंगे, कोई भी और एस्टर लेंगे, यानी इस हाइड्रोजन की जगह अगर कार्बन होगा तो क्या होगा, देखिए आप अगर यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन होगा तो इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आएगा, फिर इसके बाद में इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आएगा, और बाद में इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आएगा, और इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आएगा। देखिए अब मैं देखिए इसको देखते जाइए आप, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं। अगर मैंने इस एच को सी एच थ्री कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया एथिल एथेनॉल, एथिल एसीटेट एस्टर बन गया, ठीक है। इसकी क्रिया भी करो, सभी क्रिया करवाई तो यहां पर ये सी एच थ्री आता है, बाकी सब तो ऐसे कैसे चलेगा, फिर यहां पर ये सी एच थ्री आएगा, बाकी सब ऐसे कैसे चलेगा, फिर यहां पर ये सी एच थ्री होगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट रहे, रिएक्शन एज इट इज कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे चलेगा, फिर यहां पर ये सी एच थ्री आएगा, बाकी सब एज इट इज चलेगा, रिएक्शन ऐसे कैसे रहेगी, और यहां पर इस एच की जगह आ जाएगा यहां पर सी एच थ्री, और बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा, और ये बन जाएगा 3° एल्कोहल। कैसा वाला बन जाएगा, 3° एल्कोहल। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर हम यहां पर एच लेते हैं एथिल फॉर्मेट से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो 2° एल्कोहल बनता है, और एथिल फॉर्मेट के अलावा किसी भी एस्टर से अगर हम विकर्मक की रिएक्शन करवाते हैं तो हमको 3° एल्कोहल मिलता है। तो 3° हमने अब तक गिरनार विकर्मक से एल्कोहल जो बनाया है उसको पूरी आउटलाइन को एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अगर गिरनार विकर्मक की रिएक्शन फॉर्मेटली है, और लिख के बता देता हूं, अगर फॉर्मेल्डिहाइड या हेटोक्साइड रिंग से करवाते हैं तो 1° एल्कोहल बनते हैं, और अगर एसिटाल्डिहाइड या एथिल फॉर्मेट से करवाते हैं तो 2° एल्कोहल बनते हैं, और अगर कीटोन या किसी भी एस्टर से करवाते हैं तो हमको 3° एल्कोहल हमको प्राप्त होते हैं। तो ये एक गिरनार विकर्मक से किस पे क्या रिएक्शन होगी वो मैंने बता दिया, और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो मैंने आपको एक चार्ट के रूप में बाद में और बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में।